अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं।